Okay, dear students, let us discuss about our topic, the way the world looks. So, ये जो world है ये कैसे दिखता है? अगर हम ऊपर जाकर देखेंगे ये different दिखेगा, अगर side से देखेंगे तो ये different दिखेगा. So, बहुत सारे चीज़ को अगर हम ऊपर जाकर देखेंगे वो different दिखता है कि नहीं, एंड अगर हमें वो साइड से देखेंगे वो भी डिफरेंट दिखता है. सो नाउ वी लिसन, नाउ लेट अस डिस्कस एंड लिसन टू मी. आई विल से यू ए स्टोरी एंड द नेम ऑफ दैट स्टोरी इज गोपूस एयर जर्नी. सो हु इज गोपू? गोपू इज ए रैट. सो गोपू वॉज ए ब्रेव लिटिल माउस. सो गोपू कौन है? गोपू वॉज ए ब्रेव लिटिल माउस. सो वन डे ही सॉ चिल्ड्रेन प्लेइंग विथ ए ह्यूज गैस बैलून. सो वन डे व्हाट हैपेंड? ही सॉ हु? गोपू द रैट. ही सॉ चिल्ड्रेन प्लेइंग विथ ए ह्यूज गैस बैलून. सो एक बड़ा सा गैस बैलून के साथ बच्चे खेल रहे थे. देन व्हाट हैपेंड? द बैलून वेंट ऑफ. वो बैलून ऊपर चला गया. एंड टच द रूफ. किसको टच किया? रूफ को टच किया. हाउ जस्ट लुक द इमेज. वो बैलून रूफ को टच कर रहा है. नाउ गोपू वॉज थ्रिल्ड, दैट मीन्स सरप्राइज्ड. सो गोपू सरप्राइज हो गए. क्यों? ही गट एन आइडिया. तो उसे एक आइडिया मिला. किसको? गोपू को. नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रेन went to school. So children जब school को चले गए, गोपू क्लाइंब ऑफ द स्टिंग ऑफ द बैलून. गोपू क्या किए? वो स्टिंग को पकड़ के, किसका स्टिंग को? बैलून का स्टिंग को पकड़ के ऊपर चले गए. He could see the blades of the fan from the above. Look at this. गोपू जाकर पहुँचे इधर. जब इधर वो पहुंच जाएंगे तो इस जो फैन में जो गंदगी है वो गोपू को दिख गया. लेकिन अगर नीचे से कोई दिखेगा तो ये जो गंदा हुआ है वो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. ओके. सो नाउ गोपू क्लाइंब ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ द बैलून एंड ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ अ फैन फ्रॉम एबव एंड ही से ओ दिस इज सो मच डैट ऑन दिस ब्लेड्स From below they look so clean. So ये जो ब्लेड है नीचे से तो क्लीन दिखते हैं लेकिन ऊपर से बहुत सारा गंदा दिखते हैं. Now draw how fan looks from below. बिलो से फैन कैसे दिखते हैं आप वो पिक्चर ड्रॉ करेंगे. Now गोपू look down. He could see the bed, the chair, one table with books on it and the other table with a bottle, a jug and fruit etc. So गोपू जब नीचे देखे तो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला बेड. So देखो रूम में जो जो है, बेड चेयर वन टेबल विथ बुक्स ऑन इट एंड the other table with a bottle and a jug and fruit etc. Look for these things in the photos. तो हमने देखे अभी. That stupid chinky is, what does the Gopu said? Look at here. That stupid chinky is looking for cheese. Cannot even see it is kept on the top of the jug. Jug के ऊपर है, यहाँ है. Okay. तो गोपू को किससे ये दिखाई दे रहा है? क्योंकि गोपू अब कहाँ पर है? रूप के पास है. तो इसीलिए उन्हें जग में जो चीज़ है वो दिखाई देता है. अगर वो नीचे आकर दिखेगा वो चीज़ उन्हें नहीं दिखेगा. ओके. नेक्स्ट. कैन यू थिंक वाई गोपू वॉज सी? गोपू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कैन नॉट. अभी मैंने आपको आंसर बताया. लेट अस डिस्कस इन डिटेल्स.
So it is the image of the fan you can draw. So can you think why Gopu could see the sea on the jug but Chinky could not? क्यों Chinky को क्यों नहीं दिखे, Gopu को क्यों दिख गए? Let us discuss. Cheese was placed on the top of the jug. कहाँ पर है चीज़? जग के ऊपर है. So Gopu was hanging with a balloon. Gopu कहाँ पर हैं? वो एक बेलून को पकड़ के अब रूप के पास पहुंच गए हैं. Which was stuck to the ceiling and he could easily saw the cheese. While Chinky was running on the floor, so she could not able to see the cheese kept on the top of the jug. Okay, suppose यहाँ पर जग है और चिंकी यहाँ पर है, जग के ऊपर चीज है, लेकिन गप्पू कहाँ पर पहुँच गए? गप्पू यहाँ पर पहुँच गए, तो गप्पू को तो ये चीज़ दिखाई देगा नहीं, लेकिन चिंकी को दिखाई देगा क्या? बिल्कुल दिखाई नहीं देगा. ओके नेक्स्ट. लुक एट हियर, इट टेक्स सम टाइम्स. ओके, सो देन व्हाट हैपेंड? लुक एट हियर, बट मैं जस्ट देन ए स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बैलून आउट ऑफ द रूम. तो जब रूप पर थे कौन? गप्पू. उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग विंड आए और गप्पू को कहाँ पर ले गए? आउट ऑफ द रूम, रूम को रूम से बाहर. ओके, सो द बैलून फ्लू ऑफ एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई. सो धीरे धीरे गप्पू कहाँ पर पहुँच गए? लुक एट हियर, गप्पू धीरे धीरे आकाश पर पहुंच गए. ओके, जब आकाश पर पहुंच गए उसके बाद क्या हुआ? लुक एट हियर टू गेट द आंसर. द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई. एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस. ओके, जब भी जैसे कि हम फ्लाइट में जा रहे थे अगर, तो हमें अपना शहर छोटा जैसा दिखेगा कि नहीं? जस्ट लाइक दैट What Gopu says, when I ran around in my house, it looked so big, but from here, where on the sky, it looks small. How is that? Okay, क्या Gopu क्या बोल रहे हैं? तो अभी तो मैं sky के पास हूँ, आकाश में हूँ, मेरा घर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जब मैं अपने घर में दौड़ता हूँ, वो उस time में मेरा घर बहुत बड़ा दिखता है. देन व्हाट हैपेंड? लुक एट हियर, एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, ए स्वीट शॉप एंड सुहासिनी'स हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ. सो लुक एट हियर, ऑल द पार्क, रेलवे ट्रैक, ओके, वाटर टैंक आर विजिबल टू गप्पू बिकॉज गप्पू इज इन द स्काई. गप्पू कहाँ पर है? स्काई पर, तो इसीलिए गप्पू को सब कुछ दिख रहा है. नेक्स्ट, गप्पू सेड, हु इज दैट ऑन दैट रेलवे ट्रैक? इट इज दैट फैट कैट मंकी. वो मंकी है क्या? हा हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक ए बिग व्हाइट माउस. वो एक बड़ा सा माउस की तरह दिख रहा है. देन व्हाट डज ही सेज? दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा. व्हाट द इमेज शोइंग दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा व्हेन अमरजीत होयर अमरजीत गोज एवरी डे अमरजीत जहाँ पर जाते हैं. आई डिडंट नो देयर इज ए स्वीट शॉप हियर. यमी कौन बोल रहे हैं? गप्पू बोल रहे हैं. तो उन्हें भी एक व्हाइट शॉप दिखाई दे रहा है इधर, तो वो ये देख के आश्चर्य हो रहे हैं कि यहाँ पर एक स्वीट शॉप है, हमें तो पता नहीं था.
Imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboards, doors, window, etc. So it is a work, it is your homework. You have to draw your classroom. आपके classroom को आप drawing करेंगे. Drawing करेंगे उसमें क्या क्या रखेंगे, benches, blackboard, doors, windows and etc. ये सब आप drawing करेंगे. Next, the balloon went up, up and up. Gopu kept wondering how big the world is. So जैसे कि balloon ऊपर ऊपर जा रहा था तो गोपू भी ऊपर ऊपर जा रहे थे, जस्ट लाइक दिस. गोपू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज. नाउ ही कुड सी लॉट ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, सॉरी स्ट्रीट मतलब जो रास्ते होते हैं, रोड्स एंड बसेस, ऑल आर विजिबल टू हुम, गप्पू. Then what does he says? Gappu says, wow, is that the train looking like a long box from here? तो ट्रेन कैसे दिख रहा था, एक लॉन्ग बॉक्स की तरह दिख रहा था. कहाँ पर है ट्रेन, देखो यहाँ पर है. ओके, एंड what does he says? These cars and buses look so small from here, just like toys. Okay, so buses and cars are looks like a toys and people looks like ant. तो people कैसे दिख रहे हैं, ant की तरह दिख रहे हैं. Okay, तो now this is a interesting thing. Suddenly there was a loud sound, fart. एक loud sound आया, then the balloon burst. Balloon burst हो गया. Okay, तो बैलून फट गया, एंड बैलून फट गया तो क्या होगा, वो गप्पू नीचे आ जाएंगे, एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड डाउन. तो गप्पू अभी कहाँ पर होंगे, नीचे हो जाएंगे. एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर. ओके, जब गप्पू नीचे आ रहे थे, अगर हम ऊपर चले जाएंगे ये सारे चीज़ छोटे छोटे दिखेंगे, अगर फिर हम नीचे आएंगे ये चीज़ बड़ा दिखना शुरू करेंगे. बिगर एंड बिगर, धप. गोपू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक. ही रैन टू सेव हिम फ्रॉम द क्रूएल मंटी हु रैन आफ्टर गप्पू. सो जब गप्पू ने नीचे आए, कहाँ पर गिरे, एट व्हिच प्लेस, ऑन द रेलवे ट्रैक. सो ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मंटी. सो जो क्रूएल मंटी से बचने के लिए वो दौड़ चले. हु रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक. सो रेलवे ट्रैक पर गप्पू जब गिरे, वहाँ पर और कौन था, द क्रूएल मंटी, द कैट. एंड आपको तो पता है कैट दौड़ दौड़ कर चूहे को खा जाता है, तो वो दौड़े और गप्पू जो कैट हैं, जो माउस है, वो खुद को बचाने के लिए दौड़ चले. When Gappu saw the railway track from the above, it looks like this. Okay, जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देख रहे थे, वो कैसे दिखता था, वो ऐसे दिखता था. Now, but when he fell on the track, the railway line looks like this. Okay, जब रेलवे लाइन पर वो नीचे आ गए, तो उन्हें कैसे दिखाया, ऐसे दिखाया. तो अभी आपको समझ में आ गया, कोई भी चीज़ अगर हम दूर से देखेंगे बहुत छोटा दिखता है. ओके, अगर ऊपर जाकर हम देखेंगे वो छोटा दिखेगा, और जब उसके पास आ जाएंगे वो बड़ा दिखेगा. ओ, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड. ओके, इट इज़ आवर आंसर. सो गप्पू को पता चल गया, अगर हम ऊपर से देखेंगे दूर से, ओके, फ्रॉम द टॉप, वो चीज़ छोटे दिखते हैं, अगर उनके पास आ जाएंगे वो बड़ा दिखेंगे. नाउ योर वर्क इज लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हिच थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड.
बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर हैंड. क्या देखेंगे आप पिक्चर में, तो कौन सा वो चीज़ें वाइड दिखते हैं एंड बड़ा दिखते हैं एट इस एंड, बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर हैंड. ओके, देन गो टू इट्स आंसर. हियर इज द आंसर. Okay, like this you can draw your classroom. The side which is nearer to us looks wider and which is farther to us looks narrow and smaller. Okay, जो दूर है वो small दिखेंगे, जो पास में है वो बड़ा दिखेंगे. Next. Okay, this is ये जोगो पोज. So only one of the photos below is the correct match of the same जोगो पोज. So देखो जोगो के बुक में अगर आप दिखेंगे तो इसका ये सही दिखेगा. ओके, सो इट इज द राइट पोज. लुक एट इट इन योर बुक. सो जस्ट लाइक लुक, अगर देखो ये फोटो हम ऊपर से खींच रहे हैं, साइड से खींच रहे हैं, ओके ये भी खींच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है सही आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू हियर. जस्ट वेट, पीडीएफ इज कमिंग. Okay, it is coming. And in this picture, look what, there are two different views of the same vowel. So these, just look at here, these are a set of vowel, these are a set of vowel. And you have to say, in which photos are the vowel upside down? Upside down, kahan par hua hai? Dekho. In photo 2 mein dekho. डाउन मतलब नीचे हुए है कि नहीं. ओके, सो लुक एट द साइड व्यू इन द फोटो 3 टू फाइंड द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विथ द टॉप व्यू. ओके, तो साइड व्यू एंड टॉप व्यू आप जुड़ेंगे, ए पाइप एंड ए फनेल. सो साइड व्यू कैसे दिखते हैं आप जुड़ेंगे, मैं इमेज दिखा रहा हूँ. देखिए आप, कैसे दिखता है. देखो देखो ये जो फनल है और ऊपर से ऐसे ही दिखेंगे कि नहीं. ओके, और ये आप लोग को ड्राइंग ड्रॉ करना है. ओके, तो इसका साइड व्यू और इसका अपर व्यू ऐसा होगा, साइड व्यू ऐसा होगा, और इसका साइड व्यू ऐसा, और इस फनल का अपर व्यू टॉप व्यू ऐसा ही होगा. ओके, सो द पाइप एंड द फनल. And there are two views, one view is side view and one view is top view. From top it looks different and from side it also looks different. Okay, it is all about our topic. We will discuss more about it in the next video.